अजमेर के सरवार में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरवार के जड़ाना रोड से स्थित मदरसा अमानुल कुरान में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर सिंह राठौर ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की प्रेरणा देते हुए फुटबॉल को पहला टिक मारकर प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो वहीं मदरसा अमानुल कुरान के स्टाफ की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता में पहला मैच फुटबॉल का मोहम्मदिया सेकेंडरी स्कूल और मदरसा अमानुल कुरान के बीच खेला गया। प्रतियोगिता संरक्षक शब्बीर खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता एयू फाइनेंस बैंक द्वारा आयोजित की करवाई गई है। प्रतियोगिता में फुटबॉल, क्रिकेट, 100 मीटर व 200 मीटर रेस और 400 मीटर रिले और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। 26 फरवरी को प्रतियोगिता की शुरुआत और 27 फरवरी को प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता हो रही है, कितने दिनों के लिए हो रही है? ये प्रतियोगिता 2 दिनों के लिए हो रही है। इसमें सरवाड़ की सभी स्कूलों को आमंत्रित किया गया था, जो सब यहाँ पर फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, लड़कियों के लिए थ्रोबॉल, 100 मीटर, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रिले और कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिनमें आज के दिन 26 फरवरी और कल 27 फरवरी को इसका समापन समारोह है। जो भी टीमें विजेता रहेगी उन सबको कल मोमेंटो और इनामात देकर प्रोग्राम का समापन किया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम मास्टर शब्बीर खान है और मैं इस कार्यक्रम में सहयोगी हूँ और संरक्षक हूँ। मोहम्मद मुस्तकीम खान जो कि कोच है इस कार्यक्रम को, एयू फाइनेंस के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 2021-22, इसका मैं साथी हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।